राजस्थान अपने रंग और रंगीनियत के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया में राजस्थान उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया जितना देश के दूसरे इलाके, मसलन की दक्षिण के फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी भी आजकल थोड़ी भारी पड़ रही हैं। इसी बीच हमें कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आती हैं कि कुछ युवा जो समर्पण भाव से कोशिश कर रहे हैं, राजस्थानी जिसका दुनिया में सबसे विशालतम शब्दकोश है और दुनिया में सबसे अनूठा और अलहदा अंदाज है। आज हमारे साथ पंकज सिंह तंवर हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर। पंकज जी वैसे एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करवाते हैं, सबसे ज़्यादा डायरेक्टर हैं आप राजस्थानी फिल्मों के, और राजस्थानी OTT प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा देखी गई सरपंच जो वेब सीरीज हैं, जो खासा एक अनूठे अंदाज में प्रस्तुत की गई और दर्शकों ने बड़े प्रेम से उसे देखा, उसको आपने डायरेक्ट किया है। पंकज जी, क्या कहानी है आपकी, जानना चाहते हैं पूरी, अपनी कहानी बताओ आप, लोगों को आप डायरेक्ट करते हैं। हाँ जी। कि कुछ नहीं है उसको भी आप बना देते हैं जी। पंकज सिंह तंवर जो कुछ है वो कैसे बने? सर, शुरू से ही एक मेरे फादर जो हैं वो सरकारी अफसर रहे हैं और AN रिटायर्ड हैं, और स्कूलिंग मेरी हमेशा अलग अलग शहरों में हुई है। जहाँ जहाँ पापा की ट्रांसफ़र रहते थे वहाँ वहाँ पढ़े, और 12वीं में मैं जोधपुर आ गया था, और जोधपुर आने के बाद मैंने साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी से मैंने पढ़ाई की, और उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर मैं नहीं बन सकता, और मेरा इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में खासा कुछ था नहीं। तो क्रिएटिव करने की कोशिश के अंदर हमेशा ये फादर साहब से ज़िद करता रहता था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, और इसी ज़िद में मैंने जो है मुंबई चला गया, और वहाँ जाके मैंने कोशिश करी पहली दफ़ा कि मैं एक्टिंग में कुछ करूँ। छोटा मोटा मैंने काम थिएटर से सीख के और जोधपुर से सीख के मैं चला गया, पर वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि एक्टिंग की दुनिया में कंपटीशन बहुत आई है और मैं वहाँ पे जो है इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाऊँगा। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैमरे के आसपास रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो मुझे आगे होने के अलावा मुझे पीछे भी कुछ काम आना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर एडिटिंग जो होती है वो सीखा, पहले प्रोफेशनली मैंने कोर्स किया वहाँ पे, और उसके बाद मैं लग भी गया था वहाँ पे कलर्स के लिए, इंडियन टेली अवार्ड्स वगैरह मैंने 2010 में ये सब किए थे। और फिर समाओ, क्योंकि मुंबई है, सर्वाइवल नहीं होता है वहाँ पे इतना, वापस जोधपुर आना हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र में इतना एक्टिव नहीं रहा क्योंकि डीमोटिवेशन बहुत हैवी हो जाता है कई बार, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी होता है, फाइनेंशियल चीज़ें भी होती है, फिर शादी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन नियति ये मान ली थी मैंने कि अगर हम इसी फील्ड में अगर मुझे कुछ करना होगा तो कहीं ना कहीं वापस इससे हम भिड़ जाएंगे, और हुआ ऐसा ही। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वापस इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू हुआ, और वहाँ से मैंने एक अपनी एक फिल्म आई थी नमक करके, उसमें पहली दफ़ा वापस मैंने एक्टिंग की, और वहाँ से मैंने अपनी कहानियाँ कहने का मन बनाया, और वहाँ से मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म, पहले शॉर्ट फिल्म के साथ ये जर्नी शुरू करी। तो जैसा आपने बताया कि शादी हो गई, एक लाइन आई है आपकी, तो उसके बाद एकदम कैसे चेंज हो जाते हैं? मैंने एक बहुत पहले एक अधिकारी थे, उनको पूछा कि आपका क्या शौक है, बोले मुझे लिखने का बहुत शौक था, क्या लिखते थे, कविताएं, फिर मेरी शादी हो गई 2010 से पहले कभी। तो शादी होने के बाद आप डायरेक्शन में आ गए। हाँ जी। तो घर से डायरेक्शन, फिर उसी तरह घर पे भी आप डायरेक्ट करते हो या आपको कोई डायरेक्ट करता है? नहीं नहीं, एक्चुअली घर पे म्यूचुअल डायरेक्शन रहता है हम दोनों का। अच्छा, विदेशों के मामले आप देखते हो बाकी? तो वाइफ भी वर्किंग है और दोनों ही पूरा, दोनों मिलके घर चलाने की कोशिश करते हैं, और वाइफ बड़ी सपोर्टिव है इस मामले में कि अगर आपका पैशन है तो उसको करना चाहिए। और पहली दफ़ा जब मैं जॉब कर रहा था, रियल इस्टेट में था मैं, और उस वक्त जब ये मौका पड़ा तो मैंने कहा ये पैशन है मेरा, अगर क्या कहते हो करना चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला यस आप एक बार कोशिश करिए, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हो गई। क्या एक बड़ा रंगीनियत का माहौल रहता है फिल्मों में, आंखों में अलग तरह के सपने होते हैं, और उन परिवारों के जिनकी आंखें और आंखों का दायरा बहुत छोटा होता है, उनकी छोटी आंखें बड़ा सपना देखती हैं, तो कैसा है ये धरातल जिसमें नेपोटिज्म का आरोप है, जिसमें ये आरोप है भाई भतीजावाद, इसमें पैसा बहुत होना चाहिए, तो क्या मुश्किलात आती है वहाँ पर? ये जो चमकता दमकता संसार आप जो देखते हैं ना, तो ये कांच की जैसा है, कांच जैसा सामने से दिखता है वैसा पीछे से होता नहीं है, उसकी कई परतें होती है। तो हम सबसे पिछली परत पे हैं कि कैसे उस कांच बनने की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी तकलीफें ज़्यादा हैं और मेहनत ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि जो नेपोटिज़म की आपने बात करी, नेपोटिज़म एक शब्द है जिसको मैं थोड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे फादर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो मुझे ही देंगे, ना कि किसी और को। नेपोटिज्म
ये शब्द यहाँ से हुआ कि गलती कहाँ है, गलती वहाँ है कि हाँ कोई और कुछ करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे उनको रोका जाए तो वो गलत होगा, लेकिन अगर मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो वो तो उनका हक है, वो करेंगे, मैं मेरे बेटे के लिए करूँगा। तो नेपोटिज्म का तो मुझे कोई तुक लगता नहीं है, बट हाँ इसमें मेहनत बहुत है। जो चमकता संसार आप टीवी पर देखते हैं 2 घंटे की फिल्म में, वैसा होता नहीं है, ये बहुत अलग किस्म का एक जी स्ट्रीम है ये। तो नए जो बच्चे हैं जैसा मैंने उल्लेख किया कि छोटी आंखें बड़ा सपना देखे, तो उनको कैसे आना चाहिए इस लाइन में, लिखने वाली, फिल्म डायरेक्शन वाली, या कई बार फिल्में देख के वही चला मुरारी हीरो बनने भाग जाते हैं बॉम्बे, क्या सोचते हैं? नहीं, चला मुरारी हीरो बनने वाला कॉन्सेप्ट तो सर नहीं करना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि अक्सर जो इस राह पे चलते हैं तो वो बहुत ही एक बहुत बड़ा वाला धक्का खा के वापस गिरते हैं। हम भी गिरे, हमें भी गलतफहमी गफलत थी कि हम लोग, किसी ने कह दिया आप हीरो लगते हो या कुछ कर सकते हो, हम भी पहुंच गए मुंबई, तो वहां पे हकीकत से रूबरू जब हुए तो पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि 100 लोगों की भीड़ में भी सबसे आखिरी में से भी निकाले गए हम लोग, कि नहीं तुम लोग आउट हो जाओ, तो वहां पे समझ में आया। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप अगर इस क्षेत्र में आना चाह रहे हो तो वहां पे आपका टैलेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कौन से स्ट्रीम में आप अच्छे हो, अगर आप वो पहचान जाते हो, उस पर मेहनत करते हो और सीखी हुई चीज़ क्राफ्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। बिना क्राफ्ट सीखे, अब वो सीखने के आयाम बहुत सारे हो सकते हैं सर, आप टीवी से फिल्में आपके सामने फ्रेम दर फ्रेम उपलब्ध है, आपका जो फेवरेट आप डायरेक्शन माना जाते हो, आपका फेवरेट डायरेक्टर नागेश कुकुनोर सर हो सकते हैं, राजकुमार हिरानी सर हो सकते हैं, तिग्मांशु धूलिया सर हो सकते हैं, उन्होंने अपना 200% ना एक फिल्म पे लगाया हुआ है, उस फ्रेम दर फ्रेम में आपको हर एक बारीकी मिलेगी। अगर ऑब्जर्वेशन है आपकी, आप सीखना चाहते हो तो कोई फिल्म इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से सीख सकते हो, आप फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाहते हो, इच्छा है वहाँ जा सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। तो सीख के आप इस फील्ड में आइए एंड पूरा मन बना के आइए कि यस हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम 2 महीने उधार की जिंदगी में भी जी सके या हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिले, अगर मन बना हुआ है तो आप जरूर कुछ कर जाएंगे। बॉम्बे आप गए, बॉम्बे या बम्बई कहूंगा क्योंकि आप राजस्थानी में काम करते हो, तो अभी भी राजस्थानी उसको मुंबई नहीं स्वीकार पाए हैं, तो बम्बई में किस टाइप के संघर्ष नजर आए, या अपने जैसे अपनी जैसी भीड़ जो है उनकी पीड़ा को आप कैसे शब्द देना चाहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मैंने मुंबई का जो संघर्ष है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं झेला मैंने, मैंने 2 साल कितने पैसे बर्बाद किए मतलब? हाँ किए सर, मतलब थोड़ा बहुत तो किया कि पिताजी से, मेरे परिवार को आज भी नहीं पता है कि मैं बॉम्बे में कहाँ रहा हूँ और क्या रहा हूँ, मतलब वो फ़ोन पे थे कि हाँ भाई वहाँ हूँ, उन्होंने फीस भरी, मैंने एडिटिंग सीखी एंड उसके बाद में एडिटिंग करते वक्त मुझे काम जरूर मिल गया था, लेकिन वही दिन रात पूरा स्टूडियो में रहना, कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है पता नहीं है, कॉफी पीते थे एडिट करते थे, घर वाले पूछते नहीं थे कौन से रोल में आ रहे हो? हाँ नहीं, पापा को तो पता ही था कि ये एडिट में ही कर रहा है कुछ, अच्छा, तो स्टूडियो के अंदर बैठे बैठे, लेकिन ये हमेशा होता था ना कि नहीं ठीक है चलो कर ले एक बार अपने मन की, 2 साल ले ले, 1 साल ले ले फिर देखते, क्योंकि इतना लंबा टाइम स्पेन नहीं ले सकते वहाँ पे, कि उम्मीद होती है कि चलो 1-2 साल देख लेगा चलो भूत उतर जाएगा, तो उसमें क्या एडिटिंग करते करते, लेकिन वो क्या सर्वाइवल नहीं हो पाता था कि मतलब थोड़ा पैसा मिल रहा है। जब पहला जो मैंने एडिट किया इंडियन टेली अवार्ड्स 2010 के नॉमिनेशन जो भी आए थे वो सारे मेरे ही कट किए हुए थे, और उसमें भी मुझे ये बोला गया अबाउट 2 महीने बाद कि भाई सबसे लास्ट में तेरा नाम आएगा देख लेना खुश हो जाना, है ना, तो और वो भी रात को 12 बजे क्रेडिट आ रहा है, कौन देखता है उस वक्त? मेरे पिताजी माताजी बैठे थे मेरा वो एक नाम देखने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कहने का मतलब कि पैसे से सर्वाइवल मुश्किल था, पर पैसे वैसे नहीं मिले आपको? पैसे नहीं मिले सर, मेरे को पैसे नहीं मिले उस नाम के, पैसा नहीं कमा पाया मैं बॉम्बे में, और बॉम्बे पैसा नहीं देता सर इजीली, अगर जब तक वो अपना है नहीं, पीटा नहीं घर वालों ने फिर क्या? नहीं सर पीटा नहीं, लेकिन हाँ कभी जद्दोजहद बहुत। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, एक बार मैंने कहीं सुना था कोई बंदा बॉम्बे गया, खूब सारे उसने कोशिशें की, बहुत मेहनत की जैसी आपने की, एक फिल्म में उसको एक सीन मिला, आपने सुना होगा शायद ये किस्सा? नहीं सर। तो बोले कि अब घर में मुंह दिखाने लायक है, तो 6 साल बाद वो घर जाता है, पिता मौका ढूंढ रहा है कि कैसे इसको पेले तबियत से, अब वो बच रहा है, तो माँ जाते ही उसको लिपटाती है, लाड करती है और कहती है बेटा कमजोर बहुत हो गए, ये हो गए वो हो गए। पिता बोलता है कोई ना काम वाम मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं बोलता, बड़ा उदास होके बैठ जाता है, फिर धीरे से फिर कुछ टाइम बाद बोलता है एक आज हम सीरियल में आएंगे परसों, तो वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है उनकी माँ और पूरा मोहल्ला देखने आता है, जैसे आपके नाम के लिए माताजी पिताजी वेट करते रहे। अब वो देखते हैं कि उसका सीन एडिट कर दिया गया, काट दिया जी, तो उसका बड़ा दिल टूट जाता है, वो
उदास होके बैठा होता है, वैसे चैनल बदल रहा हो, उसका पिता मौका ढूंढ रहा होता है कि कैसे करके मुझसे बात करे, इसको मारवाड़ी में कहते हैं मचकाऊं पकड़ के। तो अचानक उससे लग जाता है डिस्कवरी चैनल और पिता उसे जबरदस्त मारता है कि अब तो कुत्ते बिल्ली भी टीवी में आ गए, तुम कब आओगे। तो ऐसा मौका नहीं पड़ा आपका? नहीं नहीं सर, ऐसा मौका नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन नाराजगी हल्की फुल्की रहती थी, लेकिन सपोर्ट भी पूरा किया कि चलो कर रहा है कुछ ना कुछ, कोशिश कर रहा है, कहीं तो ये लेके जाएंगे, जाएगा ही अपने आपको। और उसी कश्मकश में आज जहां तक भी पहुंचे। राजस्थानी जो है उसका क्या फ्यूचर देखते हैं या क्या प्रेजेंट स्थिति देखते हैं कि क्या राजस्थानी सर्वाइव कर जाएगी या उसको लंबा संघर्ष झेलना पड़ेगा? राजस्थानी का सर्वाइवल अब लगता है कि कुछ चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल काम नहीं था यहाँ पे, और जो काम हो रहा था वो सभी को पता है कि कैसा एक काम हो रहा था, एक फुहड़पना सा आ गया था और वो फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते, ऐसे वीडियोज़ बनने लग गए। ठीक है, कुछ वक्त पहले जब इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, बड़े स्टार्स काम करते थे, राकेश रोशन जी काम करते करके गए हैं, गोविंदा जी और बहुत सारे नाम हैं, तो वो करके गए। लेकिन अभी कुछ OTTs जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम अब यहाँ के फिल्म मेकर्स को देना शुरू किया है और अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं फिल्म मेकर मेरे जैसे या मेरे जैसे कई और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की। वो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ला रहे हैं जो आज की ऑडियंस को पसंद आए और आज की जनता उनको देख सके, तो एक उम्मीद बनी है सर, अब देखते कहाँ तक जाते हैं। जी, नए जो लड़के आ रहे हैं अपने एक्टर, और उसको लेके क्या सोचते हैं, राजस्थानी में करना चाहते हैं लड़के नए, या वही वहाँ से फेल होके फिर आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो आर्ट्स ले ली वो वाला सब्जेक्ट? नहीं सर, राजस्थान के बहुत सारे लोग आज मुंबई में बहुत सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, अभी जितेंद्र सिंह जी राजपुरोहित है, अविनाश कुमार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जितेंद्र सिंह जिनका नाम ले रहा हूं, वो कई सारे एपिसोड्स में आपने उनको हर एपिसोड में ऑलमोस्ट देखा होगा, तो वो राजस्थान के हैं और वहाँ पर अपना पूरा घर बार चला रहे हैं, वैसे ही उन्होंने हमारे साथ भी बहुत काम किया है। तो जो भी एक बढ़िया चीज़ हो गई आज इन कामों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुंबई के एक्टर्स थे जो मुंबई रह कर सर्वाइव करना चाहते थे, आज उनको अपनी भाषा में काम मिल रहा है। और उन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोफाइल में अब हिंदी और इनके आगे राजस्थानी जोड़ दिया है कि हमें काम मिले, और ये बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि प्रोफाइल्स के अंदर राजस्थानी आने लगा, उन्होंने रीजनल में काम मांगा है और रीजनल का बूम है अब, तो मौका है सर अब इस बार चौका मारने। आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं मेजरली, जो सरपंच की अपन बात कर चुके हैं, नमक में आपने एक्टिंग की है, उसके अलावा या अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आप? सर अगर मेजर बात करो तो मेरी पहली जो फीचर फिल्म थी वो थी शुभरात्रि, हिंदी में थी, क्योंकि उस वक्त राजस्थानी में कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा था, तो वो MX प्लेयर पे गई, वो बहुत ही कम सोर्सेज में बनी, 5 लोग थे हम लोग जिन्होंने मिलकर बनाई थी, बाकी कास्ट थे, और वो MX प्लेयर पे क्रैक हो गई और ठीक ठाक चल भी गया, तो MX प्लेयर ने उसको अपने लेवल पे उसको प्रमोट भी किया, तो वो एक थोड़ा सक्सेस मिला। मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, जोधपुर के मीडिया ने, कि हमको पूरा कवर किया ताकि लोगों तक बात पहुंचे। जोधपुर के लोग भी हैं और उन्होंने बहुत बहुत मतलब उस फिल्म को देख के सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई नानी सा करके, वो भी आने वाली, वो भी हिंदी में थी। उसके बाद जब OTT आया और उन्होंने आके जब ये मौका दिया, तो हमको मौका मिला, क्यों पैसा मिला कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं, तो पहली बार जो कहते हैं ना पैसा लेके बनाना, वो सरपंच के साथ हुआ। और यहाँ मौका था हमारे पास कि कुछ एक ऑडियंस को परोसें जो आज की स्ट्रीम के हिसाब से हो, वो अपन ने किया और उसके बाद फिर हम रीस आ रही है सर। चलो बढ़िया, रीस आनी चाहिए। हाँ, काम पे रीस मतलब गुस्सा। तो गुस्सा आता है मौजूदा स्थितियों पे कि देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश, जिसकी भाषा इतनी समृद्ध भाषा कि जोधपुर के आपके सीताराम लालस ने उनका शब्दकोश जब लिखा, तो बताते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि राजस्थानी को मान्यता कैसे दे, आपके सांसद हुआ करते थे लक्ष्मी मल सिंघवी, आपने किस्सा सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, तो वो लेके गए और कहा कि ये रहा शब्दकोश। तो शब्दकोश 9 खंडों में है, कई खंडों में, तो लाल बहादुर शास्त्री के कद के बराबर आ गया वो शब्दकोश, तो शायद इसी गुस्से में उन्होंने मान्यता नहीं दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा आगे चल रहे हैं, आपकी टीम है, आप लगातार काम कर रहे हैं, और भी हम कभी बातें करेंगे, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि मतलब आज आप हमको अपने स्टूडियो बुला के हमारी बात सुन रहे हैं, बात रखवा रहे हैं सबके सामने, और ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है कि ताकि हमें भी लोग थोड़ा सुन सकें। थैंक यू सो मच।